एवरीवन, वेलकम बैक टू बेक एंड बाइट बेकरी। मैं आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ हमारे इस प्यारे से चैनल बेक एंड बाइट बेकरी में, जहाँ पे हम ये सीखते हैं कि हम अपने फूड को थोड़ी बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स से कैसे इनहांस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेक श्योर कि आप हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंच सके। एंड फ्रेंड्स, ये समझने के लिए कि हमने अपनी फाइनल डिशेज में क्या चेंजेस किए, किस तरीके से चेंजेस किए हैं, मेक श्योर कि आप हमारे जो वीडियोस हैं वो स्टार्टिंग से एंड तक देखें। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो आपके लिए डिश लेके आई हूँ, एक स्वीट डेजर्ट है और जो बहुत ही बेसिक केक फ्लेवर है, टूटी फूटी केक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी अपने टूटी फूटी केक को बनाने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास है दूध करीब आधा कप, दही 1/4 कप, आटा आधा कप। आप मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं आटा बना का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास पिसी हुई चीनी है 1/3 कप। यहाँ पे मेरे पास बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा है। यहाँ पे मेरे पास है टूटी फूटी दो रंग की, लाल और हरी। और इस केक को और फ्रूटी बनाने के लिए यहाँ पे मैं यूज करूंगी होममेड पाइनएप्पल जाम का। ये ऑप्शनल है, आप तो चाहे कोई और जाम का भी यूज कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे मेरे पास है 2 टीस्पून ऑयल, आप बटर का भी यूज कर सकते हैं। साथ ही है मेरे पास यहाँ पे फ्रूट फ्लेवर, फूड मिक्स फ्रूट का फ्लेवर है, जिसको हम यूज करेंगे अपने केक को एसेंस देने के लिए। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको आपस में छान लेंगे। ये रहा मेरे पास आटा और ये बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा। अब इन दोनों इंग्रेडिएंट को अच्छे से छान लेंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो हमारा आटा है वो अच्छे से छन गया है। अब बारी है हमारे यहाँ पे वेट इंग्रेडिएंट्स को रेडी करने। तो फ्रेंड्स, वेट इंग्रेडिएंट के लिए हम क्या करेंगे, अपनी दही को बोल में ट्रांसफर कर लेंगे और इसमें अपनी चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो हमारी चीनी और दही है वो अच्छे से मिल गई है। तो अब हम इसमें अपना आधा दूध डाल देंगे और इसको भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। दही और चीनी अच्छे से मिक्स हो गया है, तो अब बारी है इसमें अपना ये ऑयल डालने की। यहाँ पे ये जो पाइनएप्पल जाम है होममेड, हम उसे भी डाल के अपने केक, अपने वेट इंग्रेडिएंट्स में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये अपनी, तो फ्रेंड्स, हमारा वेट इंग्रेडिएंट्स भी अच्छे से रेडी हो गया है। अब बारी है हमारे केक बैटर को बनाने की। अपने बैटर को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स में अपने वेट इंग्रेडिएंट्स को डालते हैं, ताकि उसमें कोई भी लम्स ना बने। तो अब हमने इसमें अपना थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालना है और मिक्स कर लेना है। हम फिर से वही अपने कर्व फोल्ड की टेक्निक को यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो हमारा बैटर है थोड़ा सा थीकी है, इसको और दूध की जरूरत है। तो हमने अपना जो बचा हुआ दूध है वो सारा डाल के इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं अपना फ्रूट एसेंस डाल रही हूँ, करीबन मैंने 1 टेबलस्पून डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। इस टूटी फूटी में थोड़ा सा फ्लावर हमने 1 टेबल स्पून के अराउंड इनको करके अच्छे से यूं उनको हम डस्ट कर लेंगे। डस्ट करने के बाद इनका जो एक्सेसिव फ्लावर है वो हम इसको बाहर निकाल के फिर अपनी टूटी फूटी इसको इसमें डालेंगे। और डस्ट हो गया है, तो अब मैं बारी है अपनी इस टूटी फूटी को इसके अंदर मिक्स करूंगी। इससे हमारी टूटी फूटी ऑल ओवर रहेगी और एक ही जगह पे सेटल नहीं होगी केक में। पैन है जिसमें मैंने ग्रीस करके फ्लावर डस्ट कर लिया है। अब बारी है हमारे इस बैटर को इसमें पोर करने की। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा ये जो केक है वो अच्छे से हो गया। अब बारी है हमारे केक को ऊपर से अच्छे से चेरीज को डाल के डेकोरेट करके, ये हमारा जो केक है वो रेडी है बेक होने के लिए। इसको मैं 30 से 35 मिनट के लिए बेक करूंगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा जो केक है वो बहुत अच्छे तरीके से हो गया है और मैं रखेंगे। आप जैसा कि देख सकते हैं, ये कितना बाउंसी बैक केक है, एकदम बढ़िया और सॉफ्ट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा जो केक है वो पूरे अच्छे तरीके से रेडी हो गया है। अब बारी है इसमें हम थोड़ी सी शुगर को डस्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए, जैसा जो हमारा केक का जो स्लाइस है वो बहुत ही अच्छे तरीके से और पूरे केक में अच्छे से हमारी जो टूटी फूटी है वो पूरी तरीके से स्प्रेड हो गई है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे केक के बॉटम है, बट हमारा पूरा केक अच्छे से टूटी फूटी से भरा हुआ है।
तो फ्रेंड्स मेक श्योर कि आप हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि हमारी इस रेसिपी ने आपके घरों में क्या जादू किया। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।